भावनाएं हर इंसान में होती हैं और जब व्यक्ति किसी बात से बहुत खुश होता है तब वो हंसता है और दुख पहुंचने पर रोता है। हालांकि लोगों को अधिक खुशी मिलने पर भी रोना आ जाता है, जिसे खुशी के आंसू कहते हैं। बात बात पर रोने वाले लोगों को कमजोर दिल का समझा जाता है। लोगों को लगता है कि छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाते हैं वो अंदर से बहुत ही कमजोर होते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। बात बात पर रोने वाले लोग कतई कमजोर नहीं होते। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के लोग बाकी लोगों की तुलना में बहुत ही खास होते हैं। आज हम बात करेंगे कि बार बार रोने वालों में क्या क्या खासियत होती है और ऐसे लोग किस चीजों में माहिर होते हैं। चलिए बताते हैं आपको। बात बात पर रोने वाले व्यक्ति को गलती से भी कमजोर समझने की भूल ना करें। ऐसे लोग कमजोर नहीं बल्कि अंदर से बहुत ही मजबूत होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो इन्हें खुद को संभालना बखूबी आता है। रोने का मतलब ये नहीं होता कि वो कमजोर हैं, बल्कि रोने से वो खुद को अच्छा और मजबूत महसूस करते हैं। कहते हैं कि रोने से तनाव दूर भाग जाता है। तनाव होने पर व्यक्ति को खुलकर रोने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तनाव या परेशानी होने पर रोना औषधि की तरह काम करता है। ऐसा करने पर आप फ्रेश महसूस करेंगे और आप देखेंगे कि आपका सारा दुख और टेंशन आंसुओं के साथ बह गया है। इमोशनल व्यक्ति एक अच्छा दोस्त साबित होता है। कुछ लोग दूसरों की परेशानी को समझे बगैर उन्हें सलाह देने लग जाते हैं, लेकिन एक इमोशनल व्यक्ति दूसरों की परेशानी को भली भांति समझता है और उनकी फीलिंग्स की कदर करता है। उनमें दिखावा नहीं होता है। आजकल के दौर में इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कोइंसिडेंस को लोग दूसरे की नजरिए से तोलते हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति दुखी हो और रो रहा है तो उसका साथ देने के लिए सामने वाला व्यक्ति भी रोने लगता है, जिसे एक अच्छा रिस्पॉन्स माना जाता है। बात बात पर रोने वाले या इमोशनल लोग बिल्कुल साफ दिल के होते हैं। उनके मन में किसी के लिए किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं होता है। वो किसी की बुराई नहीं करते हैं और ऐसे व्यक्ति सबका अच्छा सोचते हैं और ये उनकी आदत में शुमार होता है। लेकिन कई बार ज्यादा रोने से आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और कभी कभी बात बात पर रोने वाले व्यक्तियों के लिए ये भी समझा जाता है कि वो गलत है। ऐसा उन्हें खुद भी महसूस होता है, इसलिए वो जल्दी रोने लग जाते हैं। ऐसे में किसी एक्सपर्ट की सलाह से ले ताकि आगे चलकर आपके लिए कोई भी समस्या ना खड़ी हो। वैसे रोने से सेहत भी अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।